और भाई साहब तैयारी कैसे चल रही है? बढ़िया, ठीक है। तो अपन लोग आपकी तैयारी में थोड़ा सा सहयोग करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था मोशन। मोशन के अंदर हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ग्राफ्स, ग्राफ्स के थ्रू थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करना हम लोगों ने सीखा था। अब हम पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, मीन्स वो जो मोशन था उसके पीछे कॉज क्या है। वो कॉज है आपका फोर्स। इस फोर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इस फोर्स को लगाने से आप सामने वाला आदमी या सामने वाला ऑब्जेक्ट हम पे क्या चीज लगाएगा, तो ये सारे के सारे तीनों लॉज में कवर हो जाता है। फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि कॉज क्या है मोशन का, दैट इज फोर्स। दूसरा लॉ हमें बताता है कि उसको हम कैलकुलेट कैसे करें, दैट इज एफ इक्वल टू एम ए। तीसरा फोर्स। तीसरा लॉ हमें बताता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तीन ही लॉ हैं, बड़े सिंपल से लॉ हैं, तो हम लोग ब्रीफली उनको समझ लेते हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद ये दो छोटे छोटे से डेरिवेशन हैं, बहुत ही छोटे हैं, हम सोचेंगे। तो पहले हम लोग तीनों लॉज को ब्रीफली समझते हैं। फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया जाए, तब तक वो ऑब्जेक्ट अपनी उसी स्टेट ऑफ मोशन में रहता है जिसमें कि वो है। अगर वो रेस्ट पर है देन वो रेस्ट पर ही रहेगा, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा, ठीक है। और वो जो टेंडेंसी होती है जो उसको रोकती है या उसको अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने से रेस्ट्रिक्ट करती है, दैट टेंडेंसी इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया को किसमें मेजर करते हैं? मास में। मास को किसमें मेजर करते हैं? केजी में। तो इनडायरेक्टली इनर्शिया को आप लोग केजी में मेजर कर सकते हैं, बट इनर्शिया कोई क्वांटिटी नहीं है, इनर्शिया इज अ टेंडेंसी। ओके, तो इनर्शिया को हम मेजर करते हैं मास में। जिसका जितना ज्यादा इनर्शिया होगा उसका उतना ही ज्यादा मास होगा, या जिसका जितना ज्यादा मास होगा उसका उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। मींस आपको हाथी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज कराने के लिए, एलिफेंट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज कराने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा बजाय चींटी के। चींटी तो फूंक मारोगे तो उड़ जाएगा, ठीक है। तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि हाथी का मास ज्यादा है, चींटी का आंट का मास कम है। सो फर्स्ट लॉ मोशन, इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। नाउ कम टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने बताया, हमें जानकारी मिली कि जो मोशन हो रहा है उसके पीछे कॉज क्या है, तो वो कॉज है फोर्स। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन में भाई कॉज पता चल गया, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग उसका कैलकुलेशन भी सीखते हैं। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड टू द सब्जेक्ट। ये यहां पे लिखा हुआ है, इसका डेरिवेशन बड़ा सीधा सा सिंपल सा है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट किसी भी चीज का क्या होता है? डिवाइडेड बाय टी। वो वाला रेट नहीं है प्राइस वाला, जो प्राइस टैग वाला रेट आता है, ये वो वाला रेट नहीं है, ये आपका है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टाइम। पी फाइनल क्या आपका फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोडक्ट। तो फाइनल के लिए क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि मास तो सेम रहता है इसमें, हमारे केस में मास सेम है, नाइन्थ क्लास में मास सेम है, हायर क्लासेस में वो भी हो सकता है कि आपका मास भी डिफर करता हो। तो मोमेंटम दो तरीके से चेंज हो सकता है, आइदर मास चेंज हो जाए और वेलोसिटी चेंज हो जाए। तो मास हमारे में कांस्टेंट है तो वेलोसिटी चेंज होगी, तो फाइनल वेलोसिटी अगर होगी तो फाइनल मोमेंटम, इनिशियल वेलोसिटी होगी तो इनिशियल मोमेंटम। तो पी फाइनल पी इनिशियल। तो फोर्स क्या हो गया? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टी, उसकी वैल्यू हमने रखी एम वी माइनस एम क्यू अपॉन टी। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, को बाहर निकालो, अंदर अंदर बचा वी माइनस यू अपॉन टी। वी माइनस यू अपॉन टी को हम लोग बोलते हैं ए एक्सेलरेशन, जो हम लोगों ने मोशन में पढ़ा था। देन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दो तो क्या आएगा? के कांस्टेंट। तो एफ इक्वल टू के एम ए। के को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई, कांस्टेंट लगाया तो वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? अब फोर्स की वैल्यू मान लो 1 न्यूटन है, मास मान लो 1 kg पे वो फोर्स लग रहा है, उससे 1 m/s² एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है। माइंड इट कि आपको ऐसा यूनिट्स, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ऐसा यूनिट्स आपको एकदम करेक्ट रखनी है। लेंथ की मीटर, वेलोसिटी की m/s और एक्सेलरेशन की m/s² और अगली अगली न्यूटन। फोर्स की होती है न्यूटन, किसमें? ऐसा यूनिट या एम के सिस्टम में। एम के सिस्टम किसको बोलते हैं? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। उसके अलावा एक और सिस्टम होता है सीसीए सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, जिसमें फोर्स की यूनिट होती है टाइम। तीसरा एक और होता है एफपीएस, फुट, पास्कल,
पाउंड सेकंड। पर अपने केस में क्या है, ऐसा यूनिट या एमपीएस सिस्टम दोनों लगभग सेम ही है। ऐसा यूनिट में थोड़ी ज्यादा क्वांटिटीज है, एमपीएस में तीन ही है, जैसे दिख रहा है आपको मास केजी और सेकंड का मतलब है लेंथ, मास मीटर केजी और सेकंड मीटर लेंथ केजी मास सेकंड टाइम। ठीक है, तो अपने का अपना ज्यादा वाला इसे पड़ेगा ऐसा यूनिट या एमपीएस सिस्टम में। के की वैल्यू बना जाती है एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम बी माइनस एम बी अपॉन टी। हम वापस से ए को बी माइनस बी अपॉन टी रख देते हैं क्योंकि पहले तो हमने प्रोपोर्शनलिटी वगैरह हटा के ये सब स्टार्टिंग में किया था ना, तब प्रोपोर्शनलिटी लगा हुआ था। अब हमको जब ये फॉर्मूला मिल गया तो दोबारा से ए का वैल्यू रख देते हैं अपन, तो एम बी माइनस एम बी अपॉन टी, टी को इधर ले जाओ, एफ टी अपॉन एम बी माइनस एम। ये जो एफ डॉट टी है दैट इज इम्पल्स, और ये क्या हो गया आपका चेंज इन मोमेंटम एम बी माइनस एम यू। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, इम्पल्स, जबकि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फोर्स। अब हम आते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मींस अगर कोई भी फोर्स लगाते हो किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो भी उतना ही फोर्स लगाएगा बट अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इतने से तीनों सिंपल से आपके लॉस ऑफ मोशन है। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो एप्लीकेशन आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो एप्लीकेशन है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होती है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई बाहर का एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस नहीं लग रहा हो, कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा हो, तो उसके मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब उसका मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इट्स मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम चेंज होता है, मींस हमारे केस में वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होने के लिए आपको एक्सेलरेशन की जरूरत रहेगी, जरूरत एक्सेलरेशन मतलब फोर्स, तो जब फोर्स ही नहीं रहेगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो मोमेंटम आपका सेम रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो डेरिवेशन कैसे करेंगे, दो हमने बॉल ले ली ए और बी जिसका मास m1 m2 है, u1 u2 उनकी इनिशियल वेलोसिटी है टकराने से पहले की। ठीक है, फिर टकराती हैं वो दोनों, ए और बी टकरा गए आपस में, तो ए ने बी पे फोर्स लगाया, बी ने ए पे फोर्स लगाया, टोटल फोर्स कितना होगा, जीरो। ए और बी दोनों का कंबाइंड टोटल जीरो, क्योंकि ए ने इस तरफ बी ने उसके अपोजिट तरफ, तो ए जो बी पे फोर्स लगाएगा उसको बोलेंगे हम एफ ए बी, बी जो ए पे फोर्स लगाएगा उसको बोलेंगे हम एफ बी ए। FAB equal to minus FBA हम किससे जानते हैं, थर्ड लॉ मोशन से, एक्शन रिएक्शन से। ठीक है, उसके बाद टकराने के बाद वो वापस चली गई, मान लो उनकी वेलोसिटी v1 v2, मास सेम ही रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, हम जानते हैं सेकंड लॉ मोशन से फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, तो फोर्स को कैसे कैलकुलेट करोगे कि जो भैया A फोर्स लगा रहा है B के ऊपर, उसको बोला हमने FAB, वो कितना फोर्स लगाएगा, जितना उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, जितना उसके मोमेंटम में चेंज आएगा, क्योंकि वेलोसिटी ही मोमेंटम को अल्टीमेटली डिसाइड कर रही है। तो mv1 minus mu m1 v1 minus m1 u1 upon t ये आपका FAB हो गया। FBA सेम तरीके से mv2 m2 v2 minus m2 u2 upon t, दोनों थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम कैसे रिलेट करेंगे, दोनों को इक्वल मैग्नीट्यूड में है बट अपोजिट इन डायरेक्शन में है, तो FAB equal to minus FBA, दोनों को रख दो, रीअरेंज कर दो, उससे आपका आ जाएगा m1 v1 plus m2 v2 equal to m1 v1 plus m2 u2। मीन्स क्या समझ में आया कि जो टोटल सिस्टम का जो फाइनल मोमेंटम है वो टोटल सिस्टम के इनिशियल मोमेंटम के बराबर होता है। रीजन क्या है, क्योंकि सिस्टम पे देखो आप, सिस्टम मतलब दोनों को कंबाइन ले रहे हैं हम, ए और बी को, तो इन दोनों को कंबाइन ही अगर हम देखते हैं तो कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जो लगाया था आपस में लगा और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे तो आपस में कैंसिल आउट भी हो गए, बट अगर किसी एक बॉल पे आप देखोगे तो उस पे लगा तो उसका मोमेंटम तो चेंज हो रहा है, पहले उसका एम1 यू1 था, बाद में m2 u2 हो गया, वो m2 m1 v1 हो गया, दूसरे में उसका m2 u2 था, बाद में m2 v2 हो गया, तो अलग अलग बॉलों पे तो लग रहे हैं पर टोटल ओवरऑल देखेंगे तो देखो क्या भी है, m1 v1 plus m2 v2, ये टोटल था, ये किसके बराबर है, इनिशियल के, फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, मींस मोमेंटम को कंजर्व रहा अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो तो। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, और इसमें से आप बहुत सारे मार्क्स लेके आ सकते हो अगर आपने इसको अच्छे से समझा
मैं जहां तक उम्मीद करता हूं कि मैंने इसको बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है, तो लगातार पढ़ते रहिए, बड़ा मजा आता है पढ़ने में, ठीक है, लगातार पढ़ते रहिए और हम ऐसे ही साथ मिलते रहेंगे और हम लोग हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग, जय हिंद।